अरे ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम तुमको हटाना होगा, हटाना होगा, हटाना होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। भाई साहब, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा आप लगातार दे रहे हैं जी, क्या कारण है? आज ईवीएम से जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं उस और जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, इससे ईवीएम पर जनता का विश्वास टोटल ख़त्म हो चुका है। इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। जिन देशों ने ईवीएम को विकसित किया था उन देशों में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते। तो भारत देश में ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, इस मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर ईवीएम नहीं हटाते हैं तो इसके बाद फिर क्या करने वाले हैं? अगर ईवीएम उनको हटानी ही होगी, क्योंकि ये अवैधानिक है। चुनाव आयोग स्वयं घोषित कर चुका है, अपने मैनिफेस्टो में स्वयं स्वीकार करता है कि ईवीएम का जो मैनुप्लेट है वो बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब चुनाव आयोग स्वयं अपनी मशीन पर विश्वास में नहीं है तो ऐसे ईवीएम मशीन को उनको हटाना ही होगी। और हम 2024 के चुनाव ईवीएम में नहीं होने देंगे, चाहे जो भी संघर्ष हमें करना पड़े। मतलब मतपत्र से वोटिंग करवाना, मतपत्र से ही हम वोटिंग करवाने के पक्षधर हैं और वह मतपत्र से ही निष्पक्ष चुनाव संभव है भारत में। आपका नाम बता दीजिए। नौकेलाल प्रजा, मैं ये जो संयुक्त मोर्चा है इसका मैं एक कोर कमेटी सदस्य हूँ।